हर अंडे को आपने एक स्पेसिफिक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने मिट्टी के अंदर जो है उसको दबा देना है इस तरीके से। हर अंडे से दूसरे अंडे के बीच में पार्टिकुलर एक डिस्टेंस होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कछुए के अंडे में से बच्चे आप कैसे निकाल सकते हो। ये केवल एक डेमोंस्ट्रेशन है, ये जो मेरे पास एग्स हैं ये डमी एग्स हैं और इनकी कैसे केयर करनी है ये जो है वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा। इस तरीके को आप अपने घर पे फॉलो करके आप अंडे में से बच्चे आप इजीली आप निकाल सकते हो। सपोज़ कीजिए आपके घर में जो है अंडे हो चुके हैं, अभी अंडे आपके पास हैं। कई बार क्या करता है कछुआ अंडे जो है पानी के अंदर देता है, आप पानी में से अंडे निकाल लीजिए। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कि जिसमें से अंडे में से बच्चा निकल सके। आपको पता है कि कछुआ अक्सर अंडे जो है मिट्टी के अंदर देता है, लेकिन किसी कारणवश आप उसको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करा पाते हो, वो मिट्टी के अंदर अंडे नहीं दे पाता, यानी मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में वो अंडे कहीं पर भी दे देता है, पानी के अंदर भी दे सकता है, ज़मीन भी दे सकता है। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन अंडों को हम कैसे उस अंडे को सेव करके उसमें से बच्चे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और अंडे। सबसे पहले आप किसी बर्तन के अंदर, सपोज कीजिए ये कोई टब है या आपका एक बाउल है, इसके अंदर आप मिट्टी आप भर लीजिए। आप एक बाउल ले लीजिए या एक टब ले सकते हो, उसके अंदर आप मिट्टी ले लीजिए। ये जो मिट्टी है ये साधारण मिट्टी है जो अमूमन अक्सर पार्क या खेतों के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या करना है, ये हमारे पास जैसे सपोज कीजिए एग हैं, ये जो है डमी एग्स हैं। आपने करना क्या है, हर अंडे को आपने एक स्पेसिफिक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने मिट्टी के अंदर जो है उसको दबा देना है इस तरीके से। हर अंडे से दूसरे अंडे के बीच में पार्टिकुलर एक डिस्टेंस होना चाहिए और उनकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ये कर सकते हो क्योंकि एक बार में कछुआ जो है 10 से 15 अंडे तक दे देता है। इसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हो थोड़ा इसमें साइज छोटा है। ये आपने सपोज कीजिए अपने एग्स की जो है लोकेशन इस तरीके से मिट्टी कर दी। अब आपने करना क्या है, इन अंडों के ऊपर कितने लेवल है? हर अंडे को आप इस तरह जो है मिट्टी में आप दबा दीजिए। मिट्टी में दबाते क्योंकि मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है, आप अंडे को जैसे रखेंगे आप हल्का हल्का हाथ से उसको पुश करेंगे, अंडे जो है नीचे जाना शुरू हो जाएंगे एक एक करके। इनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जो है अंडों के ऊपर जो है हम उसको मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। ऊपर मिट्टी से इसलिए कवर करते हैं कि अंडा जो है बाहर से ऊपर सुपरफिशली नज़र नहीं आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा जैसे हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा और मिट्टी को अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि अंडा नज़र नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर पूरे मिट्टी अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपने जहाँ जहाँ अंडे दबाए हैं उसको अब आपने मिट्टी से कवर कर दिया है। एक इंच कम से कम मिट्टी उसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, 1 से 2 इंच जो है मिट्टी होना चाहिए। इस तरीके से अब आपका ये जो है सेटअप तैयार हो गया है। अब आपने अगले 90 दिन तक केवल इसकी देख रेख करनी है। सभी अंडों को हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया है। अब हमने आगे क्या है, अंडे में से बच्चा कब निकलेगा, जब हम उसमें से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये पानी की बोतल है, इसका जो स्प्रे है हमने पानी का स्प्रे इस पर रोज हल्का हल्का पानी की बोतल से इस पर स्प्रे कर दीजिए दिन में एक बार, ताकि मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी गीली होती रहे और इसमें नमी बनी रहे। ये स्प्रे दिन में आपने एक बार करना है। नेचर के अंदर आपने देखा होगा कि कछुआ अक्सर ऐसी जगह का चुनाव करता है जहाँ उसको नमी मिले और धूप आती रहे, लेकिन घरों के अंदर इंडोर कंडीशंस में हो सकता है हम किसी के घर की लोकेशन ऐसी हो सनलाइट ना पाती हो। अब हमें इसे सनलाइट या हीट देना ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको हीट कैसे देंगे, उसका जो ऑप्शन है हमारे पास ये यूवी लाइट होती है। आपने अंडे को मिट्टी में दबा दिया है, मिट्टी से ऊपर से कवर कर दिया है, आपने उस पर पानी डाल दिया है ताकि नमी बनी रहे। अब हम रोज़ाना जो है हमारे पास यूवी लाइट है, इस यूवी लाइट को ऑन करके हम ये देखिए इस तरीके से इसको ऑन करके इसकी हीट हमने इसको देनी है, ताकि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अंडे में से बच्चा बनने के लिए,
हम वो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकें। इस प्रकार आप दिन में कम से कम दो बार पानी का स्प्रे कीजिए और दो दो घंटे सुबह आप यूवी लाइट का एक्सपोजर दीजिए, दो घंटे आप शाम को दीजिए। इस प्रकार जो है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल होने से अब बात आती है कि आपने प्रोसीजर कितने दिन फॉलो करना है। 90 दिन के अंदर जो है अंडे में से बच्चा निकलता है, उससे पहले आपने अंडे को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही इसके अंदर अब टर्टल या टॉर्टोइस की कोई ज़रूरत है, क्योंकि टर्टल या टॉर्टोइस का कोई रोल नहीं है। अब जो इसकी देखभाल हमने खुद से करनी है, हमें इसकी देखभाल करनी, कोई मिट्टी को खराब ना कर सके। कई बार क्या करते हैं, चूहे वगैरह इस मिट्टी को खोद करके इसमें से अंडे निकाल लेते हैं। इससे उसके बचाव के लिए हम इसके ऊपर एक जाली भी ढक करके रख सकते हैं, ताकि कोई दूसरा परजीवी इसमें अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। 90 दिन जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए या तो अंडे में से बच्चा अपने आप निकलता है। यदि 90 दिन पूरे हो गए किसी कारणवश अंडे में से बच्चा निकलता है, उस कंडीशंस में हम एक एक अंडे को जो है हल्का सा ऐसे मिट्टी में से निकाल करके, इस तरीके से अंडे को आपने मिट्टी में से निकालना है। जब 90 दिन पूरे हो जाते तो हल्का सा आपने अंडे को तोड़ देना है, तोड़ करके धीरे धीरे क्रैक करके उसमें देखना है। यदि उसमें बच्चा पूरा बन चुका है तो आप धीरे धीरे अंडे को उसका छिलका उतार करके आप अंडे में से बच्चा आप निकाल सकते हो इजीली। उसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मॉर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। जब एक बार उसका गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है 90 तो अंडे के अंदर जो बच्चा है कंप्लीट बन चुका होता है। इस प्रकार आप अंडे में से जो है बच्चा आप 90 दिनों में निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। और अगर आपका कछुआ पानी में भी अंडे देता है तो पानी में से निकाल करके पहला काम होता है आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए। जितना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे उतना ही चांसेस होते हैं कि अंडा के अंदर जो है फर्टिलिटी की पावर बनी रहेगी। यदि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हम डिस्टर्बेंस कर देंगे तो कोशिश ये होता है कि अंडे में जो बच्चा बन रहा है उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना ये हमारी जिम्मेवारी है और टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप इसमें जो यूवी लाइट का एक्सपोजर है, यदि आपके पास यूवी लाइट नहीं है तो आपको दो घंटे सुबह और दो घंटे शाम को धूप के अंदर आपको इसको रखना ही रखना है और इसको जाली से कवर करके रखिए ताकि आपके अंडे को चूहे वगैरह या कोई परजीवी नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरीके से आप आपके घर में होने वाले कछुए के अंडों में से जो है बच्चे निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।